10x10 का कमरा होता है, बहुत ही छोटा कमरा। रूम तो बस इतना बड़ा होता है कि बस आप बेड से उठ पाएं, टेबल चेयर तक पहुंच पाएं। बिना मैप के यूपीएससी की तैयारी पूरी नहीं होती है। मैप लगने से एस्थेटिक वाइब मेंटेन हो जाती है कमरे की कि हाँ कुछ अच्छा है। आप तैयारी में उतर गए हैं, आप तैयारी में उतर गए हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर वो स्टेबल चल रहा है तो उसमें स्टेबल रहिए। हेलो, मेरा नाम है शिवानी और कैमरे के पीछे हमारे साथी आर्यन और हम पहुंच गए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है या जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ की रिलेशनशिप्स यहीं रह जाती हैं। ऐसा एस्पिरेंट्स में एक डायलॉग भी है। एस्पिरेंट्स 2 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेज़न प्राइम पे इसका नया सीज़न आया है और हम पहुँच गए हैं एस्पिरेंट्स के बीच, रियल लाइफ एस्पिरेंट्स के बीच, जिनसे जानेंगे कि ये सीरीज़ इन्हें कितनी मोटिवेटिंग लगी और कि ये कितना इससे रिलेट कर पाते हैं और क्या ये बात सच है कि ओल्ड राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप्स यहीं रह जाते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ विकास। एंड आपका? माय नेम इज़ ऋतिक। एस्पिरेंट्स देखी आप लोगों ने? बिल्कुल, ऑब्वियसली। कैसी लगी आपको? काफ़ी अच्छी थी। सीज़न 1 तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आपको कैसी लगी? सीज़न 1 तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन सीज़न 2 देखने का भी मौका नहीं मिल पाया है, तो बस ट्रेलर देखा है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, जो आपके जो ड्यूटीज में जो दिक्कतें आती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मोस्टली शायद से उसके बारे में है, ऐसा ट्रेलर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ की लाइफ के बारे में था, वो 1 काफ़ी अच्छा था सीज़न 1। कब देखने का प्लान बना रहे हैं? अभी फिलहाल दिवाली में छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो सोच रहे थे कि घर जाएंगे तो आराम से घर पे सबके साथ बैठ के देखेंगे। कितना रिलेट कर पाते हैं पूरी सीरीज से अपने आप को उस सिचुएशन में रख के, कि अगर हम उस सिचुएशन में होते तो हम कैसे रिएक्ट करते? मतलब ऑब्वियसली देखिए, हर चीज़ तो रिलेटेबल नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक वेब सीरीज़ है और यहाँ की चीज़ें तो कुछ हद तक रिलेटेबल हैं, जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस उसमें दिखाया है वो काफ़ी रिलेटेबल है, एग्ज़ाम के टाइम की एंग्जाइटी जो दिखाई है वो भी काफ़ी हद तक रिलेटेबल है, और इवन जो आपने कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में चीज़ें बोली वो भी हम मतलब सुनने में मिलती हैं, तो उसको भी रिलेटेबल बोल सकते हैं। कोचिंग कल्चर को लेके क्या बोलेंगे, प्लस थोड़ा अपने रूम के माहौल के बारे में भी बताइए, ठीक है, कि एग्ज़ाम आने वाले होते हैं या आप सब लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कितना प्रेशर किस तरीके से हैंडल करते हैं? रूम के बारे में तो आप रूम पे जाओगे तभी आपको पता चलेगा, 10x10 का कमरा होता है, बहुत ही छोटा कमरा, और ऐसा ही है मतलब। और प्रिपरेशन के टाइम पे स्ट्रेस तो काफ़ी होता है, मतलब जब आप प्रिपरेशन के टाइम पे इस ORN में सो कॉल्ड आएंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी आपको चेंज लगेगा, और अभी जितना क्राउड आपको दिख रहा है ये क्राउड भी कम दिखता है, तो मतलब प्रिपरेशन टाइम पे स्ट्रेस तो रहता है, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ साइकिल, सबके साथ होता है, तो कॉमन है, मतलब काफ़ी कॉमन है। रूम तो बस इतना बड़ा होता है कि बस आप बेड से उठ पाएँ, टेबल चेयर तक पहुँच पाएँ, उससे ज़्यादा रूम में और कुछ नहीं हो सकता। बाकी रेंट भी बता दो। रेंट का भी अब कल्चर है यहाँ का, कभी कभी रेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा क्राउडेड एरिया है, स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो रेंट भी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, तो थोड़ा नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ को या फिर लोअर मिडिल क्लास को शायद से यहाँ पे रहने में भी दिक्कत है। इनफैक्ट अप्रॉक्स कुछ ऐसा अंदर की बात बता सकते हैं कि कितना रेंट चल रहा है, क्या स्टेटस है? अगर आपको सिंगल रूम चाहिए तो 15 तक, अगर 15 तक आपको एक अच्छा रूम मिल पाया कि हाँ बोले कि हाँ हम थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हैं, लेकिन पूरा सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पे ना रेंट ओनर से ख़त्म होता है ना स्टूडेंट से ख़त्म होता है। रूम्स की बात कर रहे थे, हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पे एक चीज़ तो पेटेंट है, मैप्स। अगर आप रूम कहीं शिफ्ट भी कर रहे हैं तो आपको दूसरे रूम में मैप मिलेगा ही, आपको अपना कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सच है क्या ये? बिना मैप के UPSC की तैयारी पूरी नहीं होती है और बिना मैप के UPSC का कमरा भी कम्प्लीट नहीं होता है। तो आपने जब रूम लिया था तो आपके रूम में था मैप या आपने खुद लगाया था? नहीं, मैप था तो नहीं, पर हमने खुद ही मैप लगा रखे हैं, ऑलमोस्ट 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों पे एक एक मैप तो लगा ही होगा। मैप लगने से वो एस्थेटिक वाइब मेंटेन हो जाती है कमरे की कि हाँ कुछ अच्छा है। आप तैयारी में उतर गए हैं, आप तैयारी में उतर गए हैं। प्रेशर की बात कर रहे थे, स्टडी प्रेशर की, ऐसा होता है क्या कि एक माइंडसेट होता है कि नहीं सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और अगर डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो उन सारी चीज़ों से अपने आप को कैसे बचाया जाए, प्रेशर्स कैसे उसको मेंटेन करते हैं? सिर्फ पढ़ो 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 का माइंडसेट तो मेरे ख्याल से सही नहीं है, और ऐसा नहीं होता है, मतलब इतना नहीं करना भी नहीं चाहिए, मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर आप सफिशिएंटली 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है, बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं, जैसे अभी हम लोग थोड़ा बोर हो रहे थे तो चाय पीने आ गए बाहर,
पर हाँ एग्जाम के टाइम पे और कंपटीशन तो देखिए रियल में है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन है नहीं, कंपटीशन तो बहुत है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, पर ठीक है वो मतलब अब आ गए हैं तो वो तो पार्ट ऑफ द साइकिल है, तो ठीक है चलता है, इतना कोई इतना भी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब जब आप बाहर से देखते हो तो आपको शायद ज़्यादा फील होता है, पर जब आप अंदर आते हो तो आप धीरे धीरे नुएंस से समझ जाते हो चीज़ों के, और एक दो अटेम्प्ट बाद तो फिर और ज़्यादा मैनेजेबल हो जाती हैं चीज़ें, तो इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही बोला है भाई ने कि अभी प्रेशर शुरुआत में फील होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम न्यूआंस से समझते हैं तो वो प्रेशर हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं उस प्रेशर को, लेकिन फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास होता जाता है तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम सारा टाइम सिर्फ पढ़ाई में निकालेंगे, थोड़ी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ता है, चाय पीने के लिए आना, दोस्तों के साथ आना, ये सब उसी का पार्ट है प्रोसेस का। तो प्रेशर को हैंडल करने के लिए सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, सिर्फ पढ़ना 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 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। एक अप एंड डाउन की साइकिल है, मतलब किसी समय प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एग्जाम खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि भाई हो गया बस। जैसे अभी आप आपको भी कितना कन्विंस करना पड़ा हमसे बात करने के लिए कि हाँ नहीं कि प्रेशर है प्रेशर है प्रेशर है, फिर उसके बाद जब आप बात करने लगे तो हम न्यूएंसेस समझने लगे। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। एक चीज़ और एस्पिरेंट्स में दिखाई गई है कि डिस्ट्रैक्शन रिलेशनशिप्स कितना ज़रूरी है, अगर आपकी रिलेशनशिप्स हैं तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभिलाष का कैरेक्टर ऐसा था कि ही लेफ्ट धैर्य, दे गॉट सेपरेटेड। तो रिलेशनशिप्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको बैलेंस रखने के लिए? ज़रूरी तो नहीं बोलूँगा मैं, पर मुझे ये लगता है कि लाइफ को स्टेबल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर वो स्टेबल चल रहा है तो उसमें स्टेबल रहिए, मेरा ये मानना है। और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो ऐसा नहीं कि बिना रिलेशनशिप के लाइफ नहीं मूव कर सकती, अगर नहीं है तो भी ठीक है, अगर है तो आप उसको स्टेबली अगर साथ रख पा रहे हैं तो भी ठीक है। तो पढ़ाई और प्रिपरेशन के साथ ऐसा मैनेज करना कितना मुश्किल या कितना आसान रहता है, व्हाट डू यू थिंक? देखिए पढ़ाई के साथ मुश्किल तो है, क्योंकि पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाना, फिर अपने लिए टाइम निकाल पाना, फिर उसके बाद किसी थर्ड पर्सन के लिए टाइम निकाल पाना, थोड़ा सा मुश्किल तो है, पर भैया अगर पुराना रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, तो चीज़ें चल जाती हैं। किसी नए रिलेशनशिप में घुसना मुझे लगता है कि सही नहीं है इस समय। तो ये जिस थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा इस चीज़ में मानना है कि रिलेशनशिप होना या ना होना तैयारी के टाइम पे ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपके सराउंडिंग में आपके दोस्त हों जो आपको इमोशनली समझते हों, तो वो आपका रिलेशनशिप वाला फैक्टर बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर देते हैं। आपको ऐसा नीड नहीं महसूस होती कि शायद से मैं रिलेशनशिप में आऊँ, या क्योंकि आपके पास उतने दोस्त हैं कि आपको हर अप्स एंड डाउन्स में आपको साथ रहते हैं। तो मेरा एक ये साइड भी है, और रिलेशनशिप बहुत ही इंडिविजुअल थिंग है कि अगर किसी कोई बहुत ज़्यादा समझता है कि उसको लव्ड फील होना है या ऐसा कोई उसके साइड एक उसके साथ एक फैक्टर है तो वो रिलेशनशिप में आ सकता है, और अगर वो टाइम मैनेजमेंट कर सकता है तो भी आ सकता है। तो मतलब ये बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर कोई करना चाहता है तो वो करे, नहीं करना चाहता तो नहीं करे, क्योंकि उसको एज अ डिस्ट्रैक्शन देखते हैं ना बहुत सारे लोग। आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा एस्पिरेंट्स में? अभिलाष। अभिलाष क्या अपीलिंग लगा आपको? वैसे तो पूरी सीरीज ही अभिलाष के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और फाइनली हर कोई एंड ऑफ द डे सिलेक्शन ही चाहता है, अभिलाष गॉट सिलेक्टेड, सो अभिलाष ही आई गेस मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट कैरेक्टर होगा। मतलब क्या एक क्वालिटी है जो आपको उसकी अच्छी लगी? अभिलाष के अंदर क्वालिटीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि वो उसने चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया। जब उसको मतलब जैसे आपने रिलेशनशिप वाली बात की, जब उसे ये फील हुआ कि रिलेशनशिप उसकी पढ़ाई को हैम्पर कर सकता है, तो मतलब वो उस चीज़ से भी मूव ऑन करने में हिचका नहीं बिल्कुल भी, और मतलब ओवरऑल उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें दिखाई गई, अभिलाष का कैरेक्टर वॉज आइडियली मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल हो सकता है अगर ORN की लाइफ से रिलेट किया जाए तो। Yours? मुझे भी अभिलाष अच्छा लगता है। इवेंचुअली जर्नी के एंड में IAS कौन नहीं बनना चाहता, और फिर अभिलाष की बहुत अच्छी बात ये भी थी कि वो नीड ऑफ द आर समझते थे कि वो जिस चीज़ के लिए यहाँ पे इवेंचुअली आए हैं उसको प्रायोरिटी देना, पढ़ाई को प्रायोरिटी देना, कोई अप्स एंड डाउन से लाइफ में तो सब कुछ मैनेज करके चलना और इवेंचुअली अपने गोल को अचीव करना जो हम गोल अचीव करने आए हैं यहाँ पे, तो ये मुझे बेस्ट बात लगती है उनकी। मेरा एक अल्टीमेट क्वेश्चन जिससे हमने ये बातचीत शुरू करी थी कि ओल्ड राजेंद्र नगर के जो रिलेशंस होते हैं वो यहीं रह जाते हैं, इससे रिलेट कर पाते हैं, सच है या नहीं है? सच है मेरे ख्याल से तो। कैसे मतलब आप कैसे आपको लगता है कि सच है? ऐसा लोगों से सुनी है ये सारी बातें, सिर्फ वेब सीरीज़ की बात नहीं, यहाँ काफ़ी लोग हैं मतलब फ्रेंड्स हैं और भी लोग, तो मतलब
ऑब्वियस बात है, क्योंकि यहाँ जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो यहाँ की सिचुएशंस और होती हैं, जब आप पढ़ाई के बाद सिलेक्शन होकर यहाँ से बाहर निकलते हो तो लाइफ की प्रायरिटीज चेंज हो जाती है शायद से। तो मुझे लगता है कि शायद ये इन चीज़ों में सच तो होगा कुछ। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे भी लगता है कि रिलेशनशिप्स यहीं पर रह जाती हैं, क्योंकि एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और हम समय के साथ ग्रो करते हैं तो हम अपनी नीड को और चीज़ों को समझने लगते हैं। फिर एट द एंड हमारे लिए क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, ये भी हम इवॉल्व होते समय समझते हैं। तो मुझे लगता है नहीं काम करते रिलेशनशिप्स और यहीं के रह जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ के ओल्ड राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप्स यहीं रह जाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू बोथ। तो ये थे कुछ रियल लाइफ एस्पिरेंट्स जिन्होंने हमें बताया कि ओल्ड राजेंद्र नगर की रिलेशनशिप्स यहीं रह जाते हैं। बाकी आप एस्पिरेंट्स 2 का जो नया सीज़न अमेज़न प्राइम पे स्ट्रीम हो रहा है उसको ज़रूर देखिए, और ललन टॉप तो ज़रूर देखते रहिए। शुक्रिया।